लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए होटल व्यवसाय से जुड़े हुए युवाओं ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है। हमीरपुर गांधी चौक पर समाज सेवी संजय शर्मा की अगुवाई में दर्जनों होटल व्यवसाय से जुड़े हुए युवकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए युवकों ने सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। बेरोजगार हुए युवाओं ने सरकार के कार्य प्रणाली पर रोष जताया तो बैंकों में भी लोन वगैरह नहीं मिलने से घर परिवार चलाने में असमर्थता जाहिर की है। समाज सेवी संजय शर्मा ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन जब भी युवा बैंकों में जाते हैं तो ना तो लोन मिल रहा है और ना ही कोई और सहायता, जिसकी वजह से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और मानसिक तौर पर भी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में ही अकेले 5,000 से ज्यादा युवा होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आजकल रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आपके जिला हमीरपुर के प्राइवेट होटल इंडस्ट्री से जुड़े युवा हैं सारे, डिफर डिफर होटल्स में कहीं काम करता था, पिछले कोरोना की वजह से ये सब अब बेरोजगार हो चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि भैया आप अपना काम स्टार्ट करें, आपको 20 लाख रुपये जैसे सेंटर से घोषणा हुई थी कि इनको लोन दिया जाएगा काम के हिसाब से। अब उसमें दिक्कत यहाँ आ रही है कि उसमें गारंटर जो है सरकार है, या तो सरकार एक बैंकों को दिशा निर्देश दे कि भैया इनको लोन दो, डायरेक्ट स्पष्ट शब्दों में बोले, अब इनको वो लोन कोई दे नहीं रहा है। अब इनके पास अब ये लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब इनके जो ऑनर थे होटल इंडस्ट्री वाले लोग, उनके पास तो बोला नहीं जा सकता क्योंकि होटल तो बंद है। अब सरकार का ही काम है इनकी देखभाल करना। सरकार क्या कर रही है कि इनका काम नहीं कर रही, अपने सर से भला डाल रही है। उसी सिलसिले में आज ये लोग आए और ये कम से कम जिला हमीरपुर में इनकी जो स्ट्रेंथ है 5,000 के करीब है। बेरोजगार युवा अमित ने बताया कि कई बैंकों में लोन लेने के लिए चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज कोई प्रधान और विधायक नहीं पूछ रहा है और जब वोट लेने का समय आता है तो सभी हाल चाल पूछते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता तक नहीं दी जा रही है, जिससे समस्या बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या पुनर्वास के लिए काम किया जाए। मेरा नाम अमित पठानिया हूं, ऐसे मैं पेशे से शेफ हूं। मैं कंसल्टेंसी कंपनी में एक जॉब करता हूं चंडीगढ़ में, वो ऑल ओवर इंडिया में हम ओपनिंग करवाते हैं, ना कि किसी लड़के से चार्ज करते हैं, हम ऑनर से चार्ज करते हैं, लड़कों को सारी जॉबें दिलवाते हैं। इस टाइम ऐसा हाल हो चुका है, अगर मैं बड़सर की बात करूँ, बिजड़ की बात करूँ, तो लड़के सड़कों पर हैं। आने वाले टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि जो जो लोग जहर खाएंगे सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लड़के, और कोई नहीं खाएगा। अगर हम बात करें प्रधानों के MLOs की, जब वोटों का टाइम आता है तो हमारे को कॉल की जाती है, बॉम्बे से आप ट्रेन से आए, हम आपको पैसा देंगे, आपको किराया देंगे। आज कोई ना प्रधान पूछ रहा है ना MLA पूछ रहे हैं। मेरे को जो 20 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने स्कीम चलाई हुई है, सभी के लिए चलाई है, चाहे वो अमीर घर के है, चाहे वो गरीब घर का है, किसी भी घर का है। अधिकतर लोग यहाँ पर सारे शेफ हैं, कुछ रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, ऐसे आप इनकी हालात आप देख सकते हैं। कोई ऐसा लड़का लग रहा है आपको कि होटल इंडस्ट्री से भाई चेहरे से कोई भी नहीं है। आप हमीरपुर की बात करूं, कम से कम पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 से 15 हज़ार रुपये हैं। अगर मैं सभी आने के लिए रेडी थे, बट कोरोना के चक्कर में सभी यहां पे नहीं आ सके। और थोड़ा सा इशू ये भी चलता है क्योंकि आजकल लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं, किराए के लिए पैसे नहीं, कार से ये मांग करते हैं हम, या हमारे को प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की को जॉब दी जाए, टूरिज़्म है हिमाचल टूरिज़्म, उसमें जॉब दिलाई जाए या कुछ बेरोजगारी भत्ता दी जाए लड़कों को, जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है।